बाहर हो रही है झमाझम बारिश, और इस बारिश ने हमारे जो जज्बात है और हमारे जो प्लेयर्स की बात है उन लोगों को रोका नहीं, क्योंकि हम करने वाले हैं आज राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन, जो कि हमारे साथ है बहुत सारे प्लेयर्स। उन प्लेयर्स के बारे में बाद में बताऊंगा, बट लिटरली बता रहा हूँ आज का जो वीडियो होने वाला है ना, इतना ज़्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे होने वाले, बहुत सारे प्लेयर हमारे जो पीछे देख रहे हो। लिटरली मैं इन लोगों को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोग जरूर से जरूर अभी तक अगर लाइक नहीं किया ना, जाके लाइक कर दो, क्योंकि यार ये बारिश ने हमें नहीं रोक पाया, तो मैं चाहता हूँ कि हमें आप तक पहुँचने में कोई चीज़ नहीं रोक सकते। तो जाके अभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो। सो बेसिकली क्या होने वाला है कि राखी मेकिंग कॉम्पिटिशन दो दो की पेयर बनने वाला है, उसमें ब्रदर एंड सिस्टर का रोल होगा, ठीक है। तो सिस्टर क्या करेंगे, जो कि राखी बनाएंगे, और जो ब्रदर होगा वो राखी को टाई अप अपने टाई, जैसे नॉर्मल हम राखी बनवाते हैं, आपने भी बनवाया होगा, हमने भी बनवाया होगा, तो उसी तरह से राखी बनवाना है। एंड देन मेन चीज़ है कि जो सिस्टर होगी वो लड्डू खिलाएंगे अपने भाई को, और भाई चॉकलेट खिलाएंगे, और जो फास्ट करेगा वो विनर होगा। और विनर को कोई छोटा मोटा अमाउंट ही मिलने वाला है, हमारे कुलडूड की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है जीतने वाली टीम को, ओनली एक जीतने वाली टीम को मिलेगी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो क्या आप लोग रेडी हो? यस, लिटरली बता रहा हूँ, बाहर में इतनी जोर जोर से बारिश हो रही है और कोई नहीं है इस पार्क में सिवाय हमारे प्यारे प्यारे दो, हमारे ये देखो इधर हमारे दो प्यारे प्यारे डॉग्स के, ये देखो हमारे प्यारे प्यारे दो डॉग्स जो कि यहाँ पे हैं इस शेड के अंदर है, ताकि उनको ना गीला ना हो पाए, और हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। सच्ची बता रहा हूँ, जो मेहनत हमने इस वीडियो में किया ना, जो मेहनत अभी तक, अगर आपने लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो यार वीडियो को, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो गोल है ना वो बहुत बड़ा गोल है। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कूल डूड की फैमिली है, कूल डूड्स, ठीक है, हमारी फैमिली को बड़ा करना है। सो इस चक्कर में अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जाके लाइक कर दो। सो हमारा कॉम्पिटिशन थोड़ी देर में शुरू होने वाला है, उससे पहले ना हम पूछ लेते हैं कि हमारे जो कंटेस्टेंट है वो कितना ज़्यादा नर्वस है, कैसा फील करें और क्या क्या करेंगे। सो हमारा पहला जो है वो हमारे भव्या है। भव्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है कि कैसे, कौन जीतेगा? लग रहा है कि ना स्वाति की टीम जीतेगी, हमारी टीम जीतेगी। ओके, बाकी और सारी टीम कुछ नहीं कर सकती। ओ देखो, मतलब इतने ज्यादा वो भी जीत सकते हैं। ओके चलो कोई बात नहीं। स्वाति तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी टीम जीत जाएगी, मानस कुछ खा ही नहीं पाएगा, पर अब मैं क्या करूँ। ओह माय गॉड, मानस के बारे में बोले कि मानस नहीं खाएगा। मानस कुछ बोलना चाहोगे इस बात में? आपके आपके जो टीम के मेंबर है वही आपके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा है। मुझे, मैंने ये राखी मेकिंग कंपटीशन के लिए गाना तो नहीं बनाया, पर लेकिन अपने लिए एक शायर जरूर बनाया है। सुना तो चलो शायर। जल्दी लड्डू खाऊंगा, अपने टीम को जिताऊंगा। जल्दी लड्डू खाऊंगा और अपने टीम को जिताऊंगा। वाह, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है बहुत अच्छा। ओके, वैसे मैं बताऊं, ये ना ऑन द स्पॉट ये हमारे टीम में, मतलब हमारे कंपटीशन में इंडल्ज हुए हैं, तो इनके लिए एक बार ना लाइक कर दो, अभी तुरंत जाके ना लाइक कर दो इनके लिए। सबसे क्यूट और सबसे प्यारी कंटेस्टेंट जो है हमारी, हमारी बानी। सबानी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कौन लग रहा है, कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है कि मैं ही जीतूंगा। ओह माय गॉड, बहुत, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। यस, ये हुई ना कंपटीशन वाली फीलिंग, मतलब बानी ने अपना ही नाम लिया, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मामा ही बोलते हैं, क्योंकि जब बिग बे मामा ने वॉच वाला गेम खिलवाया था तो उनमें मैंने थोड़े थोड़े जवाब दे दिए थे सारे, तो इसलिए मैं उसमें भी ऐसे जीत गई थी। इसमें भी जीत जाएंगे, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं इसमें भी जीत। यस, गिव मी हाई फाइव, गिव मी हाई फाइव। यस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। राइट, तो विदाउट फर्दर अडू, अब बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं अपना राखी मेकिंग कंपटीशन। मैं आपको बता दूं राखी के रूल्स क्या होंगे। जो जो पेयर हमारी टीम के हैं उन पेयरों को मिलके राखी बनाना है, राखी जैसे फिनिश हो जाएगा तो अपने भाई को राखी हाथ में बांधना है, देन आफ्टर भाई को खिलाना है लड्डू एंड बहन को खिलाना है चॉकलेट। तो ऐसा है प्रोसेस, एंड इसमें ही देखने वाले हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, किसका प्यारा राखी बनता है, और कौन कितना डेकोरेट कर सकता है ना, उसके हिसाब से होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारे सारे कटोरे रेडी हो चुके हैं, लाइक ये देखो, यहाँ पे एक लड्डू और यहाँ पे चॉकलेट। हमारे इस गेम के जो जज हैं उन जज को अभी इनॉग्रेशन करेंगे, लाइक स्टार्ट करेंगे हमारे कंपटीशन को। तो सारे बंदे रेडी हो ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही हमें जोश चाहिए कंपटीशन में भी, और ऑल द बेस्ट सबको कि अच्छे से करना और अच्छे से बना, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है सब में? सब बोलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो जोश कितना है लोगों में। रेडी
सारे प्लेयर रेडी हो? रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि देख रहे हो सारे के सारे प्लेयर ना अभी रेडी हो चुके हैं। ये देखो यार, ओह माय गॉड, 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 ओह माय गॉड। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा भयंकर सा चल रहा है यहाँ पे। ये देखो, ओह माय गॉड, चलो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो, अच्छे से करो, अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जज को, जज अभी चीटिंग कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रल हूँ मैं, सबको सबको बता रहे हैं। ओके ओके ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज बन भी चुका है। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। जज यार, गाइस बताओ, जज पता नहीं क्यों बीच बीच में आ रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं क्या जज? कमेंट सेक्शन में जाकर जज के बारे में बोलो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, लिटरली यू गाइस आर डूइंग किलिंग यार, किलिंग। यहाँ पे सबसे अभी मेरे को लग रहा है कि मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि स्लो बट जीत ये सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है। चलो बनाओ, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से। ओह माय गॉड, इन लोगों का, इन लोगों का थोड़ा थोड़ा सा ये देखो बन भी चुका है। इस चीज़ से यार इन लोगों को कुछ सीख आए ना आए, बट ये हो जाएगा कि टीम में कैसे काम किया जाता है ना, ये चीज़ जरूर ये लोग सीख लेंगे। लाइक ये लोग जो आपस में बात कर रहे हैं, लिटरली में इतना मज़ा आ रहा है, इतना। ये देखो, ये देखो, 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 यहाँ पे देखो, हाँ ये लग रहा है कि किसी किसी का ना पूरा भी होने वाला है। लग रहा है कौन पहले करेगा, कौन पहले करेगा? अरे कोई तो बोलो, किसी का तो हो रहा है पहले। यहाँ पे मेरे को लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है, नहीं, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, नहीं, मैम को दिखाओ, 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 मैम को, मैम को, गिर तो नहीं रहा, गिर तो नहीं, यस, गिर नहीं रहा, गिर नहीं रहा, बहुत बढ़िया, गिर नहीं रहा, गिर नहीं रहा, गिर नहीं रहा, गिर नहीं रहा, कोई भी कटोरा उठा लो, कोई भी कटोरा उठा लो, कोई भी कटोरा, देखो गिर रहा, गिरना नहीं चाहिए, 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 ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मन्नु की स्पीड, मन्नु, मन्नु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए। देखो थोड़ा थोड़ा सा इनका गिर भी रहा है यहाँ पे। ओ माय गॉड, देखो पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा खत्म होना चाहिए, पूरा खत्म, पूरा, यहाँ पे एक और प्लेयर, एक और प्लेयर, नहीं 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 हुआ, नहीं हुआ, एक गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, यहाँ पे जल्दी जज को दिखाओ, जज को दिखाओ, जज को दिखाओ, खाओ खाओ खाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गाइस, ये देखो तुम लोगों का मुंह का क्लियर हो गया, मुंह का क्लियर हो गया। जल्दी तुम लोगों का जाके दिखाना है, जज को दिखाना है, जज को दिखाना है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तो, और दिखाओ दिखाओ, यार नहीं अभी नहीं, मन्नू का नहीं हुआ, मन्नू का नहीं हुआ, मन्नू का नहीं हुआ। यहाँ पे यही देखो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे पानी का, पानी का हालत खराब है, रोने लग गई पानी, पानी का पूरा पूरा हालत खराब है, पानी का क्या बोल रहे हो, जल्दी प्लीज करो पानी का, ये देखो, ओह माय गॉड यार, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यहाँ पे, यहाँ पे सौरभ, सौरभ का, सौरभ के मुंह में स्टिल है, स्टिल है, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, सभी हो गया, फिनिश हो गया। मैम को दिखाओ, मैम को दिखाओ, एक भी दाना बचना नीचे, एक भी एंड इधर आओ, इधर आओ, मानस बानी, बानी के मुंह में अभी भी है, क्या सा क्या हुआ? हाड़ी टूट गया, हाड़ी टूट गया, बानी बोल रही है कि मेल्ट वाला चॉकलेट क्यों दी, मतलब मेल्ट वाला चॉकलेट देने, जो हार्ड दे दिया, मेरा दांत में फंस रहा है। जैसा आपके सामने जो भी रिजल्ट था वो आपके सामने था, एंड लिटरली में हमें बहुत मजा आया ये कंपटीशन करवाने में, उससे ज्यादा मुझे मजा आया इन लोगों को देखते हुए जो कि टीम स्पिरिट में काम था। और यहाँ पे स्टिल हमारा एक बंदा खाया जा रहा है, हाँ इसको कहते हैं रुक जाना नहीं कभी हार के। यहाँ पे देखो अभी स्टिल खाया जा रहा है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, देखो हार जीत तो होते रहते हैं, पहले अपना चॉकलेट खा लो, क्यों एक बार से, हाँ स्लो कर रहे हैं बट बहुत मजे से कर रहे हैं। और ये लोग ये हैं कि भाई हारे तो हारे बट मिठाई और चॉकलेट नहीं छोड़ेंगे, खाओ आराम से, बहुत बढ़िया। सब बानी को इश्यू हो गया थोड़ा सा ना, उसको चॉकलेट गले में फंसने लगा था, मुझे यही इसलिए मैंने बोला था ना कि छोटा चॉकलेट इसलिए लाना चाह रहा था कि किसी को दिक्कत ना हो। सारे प्लेयर बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओ, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो रिजल्ट सुनने के लिए। और देखो आप लोग बोल रहे हो कि यार पहले जीत गए मानस लोग, नहीं इसमें बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं जो कि हमारे जज साहब बोलेंगे। अभी हम मेन कंक्लूजन पे पहुंचे नहीं है, तो अभी हम देखने वाले, स्टार्ट करने वाले हैं कौन जीता है।
जिन्होंने ये आइडिया दिया है मैनेजमेंट बोलना, हाँ मैनेजमेंट टीम से जो है, उनका ये क्राइटेरिया था कि जो पांच हम ग्लिटर चिपकाएंगे, जो जो चिपकाएंगे वो हमारे जज साहब का ऑलरेडी पता है, तो जज साहब पांच हमारे चारों प्लेयर्स के पास जाएंगे, उनसे देखेंगे उनका राखी परफेक्ट है कि नहीं, इवन दो कि जो पहले खाली हो जिन्होंने पहले फिनिश कर दिया ऐसा हो सकता है वो भी हार सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो जज पे डिपेंड करता है। अब पता नहीं कोई प्लेयर जज को घुस तो नहीं खिला दिया, क्या लग रहा है भाई? हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जज को किसी, हाँ ये भी हो सकता है, यस कुछ भी हो सकता है कि जो लास्ट आया होगा वो भी जीत सकता है। तो कोई अपना राखी को टच नहीं करेगा, सारी बहन बैठ जाओ, सारे भाई अलग अलग बैठो, ठीक है? चलिए जज साहब आ जाइए। सारा इसमें इन्होंने सब कुछ चिपकाया है, सही है, आगे देखते हैं क्या होता है, चलो। ओके, यानी पांच स्टार और दो मिरर है इसमें, मिरर है। ओके गुड, ठीक है, अब बांधा भी सही सही है। ओके मैंने बांधा बस एक, मामी बस मुझे एक ये पिंक वाला यहाँ पे चाहिए था। कोई बात नहीं, आपने सब कुछ लगाया है, सब कुछ लगाया आपने, बट इन्होंने एक गड़बड़ किया है, इन्होंने जो मिठाई है इन्होंने नीचे गिराई है, था ये हमारा टूट गई, हाँ हमारा, ये लोग इतने जल्दीबाजी में थे, उछल उछल के खा रहे थे, थोड़ा गिरा है, सबकी मिठाई टूटी हुई थी, किसी का नहीं गिरा है। ओ इधर भी गिरा है मिठाई, दिखाओ, मिरर एक ही है यहाँ पर, दो मिरर बोला था, 1 2 3 एक और मिरर कहाँ है? मिरर एक मिस कर गए वो लोग, एक वहाँ पर एक ही मिरर लगा, वही मिरर डाला है। ओके कोई मिठाई गिरी है, कुछ गिरा है, ये गिरा, शीशा गिरा है, अच्छा तीन शीशा लगाया आपने। ओके मैंने और मेरी मैनेजमेंट टीम ने हम सबका देख चुके हैं कैसा किसने बनाया है, अब हम थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद डिसाइड करेंगे कौन है विनर, तो लेट्स मीट आफ्टर 5 मिनट्स। अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए क्योंकि ना थोड़ा सा हमें हमारे लिए टफ पड़ रहा है कि कौन किसको डिसाइड किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए, किसी ने बहुत जल्दी फिनिश किया है, वो तो प्लस पॉइंट होगा ही होगा, प्लस उनका जो राखी का होगा ना वो भी प्लस पॉइंट पर होगा, तो देखते हैं कि कौन, थोड़ा सा टाइम चाहिए, तब तक आप इधर उधर घूमो और हम थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि कौन जीतता है। टाइम अगर देखे तो उस हिसाब से बानी और स्वाति, बानी और लक्ष्य टीम। ओके ओके वी आर रेडी। लक्ष्य बोल रहा है कि उसका राखी हाथ पे ही था, उसने खुद बांध लिया है, मतलब बांध लिया है, ठीक है, पहले एक बार बांध दिया था फिर उसके बाद खुल गया था उसने, और सौरभ बोल रहा है कि वो राखी गिर गया था, तो हम इसके लिए क्या करते नहीं है? हम कुछ नहीं करेंगे इन चीजों के लिए, हमने जज है, हाँ जी वो जज का है, जब आया था हाथ पे दिखाने के लिए तब था उसके हाथ में, उससे पहले हमने कुछ देखा नहीं, करेक्ट, ओके जो हुआ डज नॉट मैटर, ओके व्हाट मैटर्स, अब एक दूसरे कंप्लेन सब लोग कर सकते हैं, उसने गिराया उसने उठाया, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, सही बात, तो जो है सो हमने डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, ओके ओके कौन किसी कंप्लेन कर, डज नॉट मैटर, रिजल्ट मुझे भी बता सकते हैं? नहीं, हम डायरेक्ट डिक्लेयर करेंगे, ओके चलिए, मतलब इतनी गंदी बेइज्जती मुझे भी नहीं पता, चलिए उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि देखो गाइस वीडियो बनाने के लिए ना अकेले वीडियो ना बहुत इजी होता है बनाने के लिए, बट अगर आप इतने सारे ग्रुप के साथ बनाते हो ना बहुत ज़्यादा टफ होता है मैनेज करने में, सो थैंक यू सो मच, पहले मैं बोलूँगा हमारी जो टीम के जो जज हैं उनको, एंड थैंक यू सो मच हमारे भैया को, एंड क्रू से सानू, एंड हमारे टीम के जो मैनेजमेंट टीम से है शिवम, इनके लिए एक बार जोरदार ताली होगी क्योंकि ये नहीं होते, एंड एक और जो भी, अगर आपने हमारा वाइड एंगल का फुटेज देखा है वो हमारे आयुष ने रिकॉर्ड किया, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, ये पीयूष का भाई आशुष। चलो तो हां की घड़ी आ गई है जब मैं रिजल्ट बताऊंगा आप लोगों को कि क्या हुआ है आज, और आज का अप्रोच होगा इस तरीके से कि जो नहीं आ पाए हैं रैंकिंग सिस्टम में या जिनका नीचे से हैं उनका मैं पहले नाम लूंगा, तो बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि फोर्थ नंबर पे आए हैं संयम और खुशी, आप इधर आ जाओ, फिर भी ताली बजाओ आप लोग, यस
गुड जॉब, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, वी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। ओके चलिए आप लोग उस तरफ चले जाइए। आप लोग ये जो लगता था कि ये लोग जीत सकते हैं या वो जीत सकता है, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे ओपोजिट ही हो रहा है। तो मैं खुद अपने दिल की धड़कन को थाम के बैठा हूँ कि कौन जीतने वाला नहीं जीतना, और जज ऐसे हैं कि मुझे पता ही नहीं रहे क्या रिजल्ट है। ओके तो आते हैं अब सेकेंड वाले पे, मतलब थर्ड जो आई है रैंकिंग में, और इसका हम नाम लेंगे, क्या आप इसका नाम बोलना चाहेंगे कि थर्ड जो आए हैं वो कौन है? दुख के साथ कहना पड़ रहा है बट हमारे पास तीन स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी है सामने, उनमें से एक को अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ेगा जो कि नहीं जीत सकते। ओके नाम लीजिए। सॉरी, तो थर्ड जो आई है टीम जिन्होंने बहुत अच्छा किया है वो है लक्ष्य बानी। इन्होंने टाइम से खाया खाना, इन्होंने सब कुछ लगाया, बस थोड़ी बहुत गलती हो गई उसके कारण ने थर्ड आए हैं। फाइनली हमारे बीच में दो काफी स्ट्रॉन्ग टीम बची है जिनको के हमें डिक्लेयर करना है कौन है विनर और कौन नहीं है। ठीक है, हम वही अप्रोच अपनाएंगे कि जो नहीं जीत पाई है उनका क्या, मतलब कौन है वो टीम जो नहीं हमारे साथ आज जीत पाई है, जो फर्स्ट नहीं आई है। तो गाइस मैं अब नाम लेने वाला हूं उसका। ओके, काफी टाइट मैच था, मैं बता दूं, मैं पहले बता दूं, काफी टाइट मैच था, इतना टाइट। चले जाइए और यू रेज द हैंड ऑफ द विनिंग टीम। एक्चुअली हां ठीक है, ये भी सही है। चलो ओके ओके WWE स्टाइल वाला कर लेते हैं। ठीक है, यहां लगा लीजिए आप। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लगा देते हैं माइक को। गाइस मेरे को हाथ दे दो अपना, जीत गई है। इनफैक्ट मैं हारने वाले का नाम नहीं लूंगा, जो जीत गई है उनका नाम लूंगा मैं। ओके रेडी गाइस, क्या बताऊं इतना तगड़ा था कंपटीशन, काफी मैं बता दूं पॉइंट सिस्टम किस तरीके से हुआ, मैं पहले बता दूं आप लोगों को। ठीक है, देखो इस तरीके से डिसाइड किया गया, किसने फिनिश किया फूड, किसने इसको किसके राखी में सारे कंटेंट थे, सारी चीजें लगी हुई थी, और किसने एक था थर्ड फैक्टर क्या था हमारा, कंटेंट लगी थी, किसने खाना को सही से पूरा फिनिश किया बिना गिराए, बिना गिराए, तो उस हिसाब से हमने स्कोरिंग किया है। एक टीम का पॉइंट है 2 और एक टीम का पॉइंट है 1.5। ओके दैट्स हाउ इट इज। तो हम बताते हैं विनर कौन है आज। 1 2 3 विनर सौरभ और भाव्या विनर बने हैं 2 पॉइंट के साथ। द रीजन इज दिस, ऐसा रीजन है, पहली चीज कि ये लोग सेकंड नंबर पे आए थे फिनिश करने में, फास्ट के मामले में। दूसरी चीज इन्होंने थोड़ा सा भी नहीं गिराया। तीसरी चीज इनका मोस्ट डेकोरेटिव था, मतलब सबसे सुंदर इन्हीं का राखी था, हालांकि वो फैक्टर नहीं था लेकिन सारी चीजें इसके ऊपर थी वो चीज। ओके अब मैं बताता हूं मानस और बानी के केस में क्या था, सॉरी मानस और स्वाति केस में क्या था। इन्होंने सबसे फास्ट फिनिश किया, मैंने उसके लिए 1 पॉइंट दिया। दूसरा चीज इन्होंने गिराया, उसके लिए मैंने 1 डिडक्ट किया। तीसरा इनका सारा कुछ लगा हुआ है फिर 1 पॉइंट ऐड किया, उस तरीके से उस हिसाब से इन लोगों को पॉइंट मिला, 2 मिला। मैंने बोला 1.5 बट 2 मिला, 1.5 मिला इनको, या 0.5 इनको मिला क्योंकि उस तरीके से किया, एंड इनको उससे ज्यादा मिला बिकॉज वो 3 फैक्टर में सक्सीड करे। ओके गाइस वी हैव अ विनर नाउ, चलो ताली बजाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, सारे प्लेयर आ जाओ, कम कम सब आ जाओ। सब ने बहुत अच्छा खेला है। ओके आप सब लोगों ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा किया है आज आपने, वेरी गुड। ओके और सर्टिफिकेट ऑफ कूल डूड मिलता है सौरभ और भाव्या। सो जीतनी वाली टीम हमारे सामने आ चुके हैं, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है और हमें उम्मीद नहीं थी उम्मीद मुझे भी लिटरली बता रहा हूँ, मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जीत पाएंगे, बट जो जज ने जो रिजल्ट लिया है, जो उन्होंने डिसाइड किया है, अप्रिशिएट करूंगा कि मतलब हर एक माइनर माइनर से चीज को देखा गया है, हर चीज को मैटर किया गया, उसी चक्कर में ये लोग विनर करते हैं। सो भव्या से भी पूछ लेते हैं, भव्या कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे लेकिन हम जीत गए। Yes. So congratulations in from Noida. My boy from Bihar. Peace out. और ऐसे ही देख। My video देखते रहे, enjoy करते रहे, हमारे video का ज़्यादा से view बढ़ाते। Yes. चलो video को खत्म करते हैं।